Warriors. Yes. I am very glad to see you all here. इतना बढ़िया शाम है, एकदम फर्स्ट क्लास में आए और साथ के में दिस इज अ वेरी गुड ओकेजन. आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं टीचर्स डे. टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है. तो बता सकता है कि किस लिए मनाते हैं टीचर्स डे? एनीबडी आउट ऑफ डॉक्टर साहबों के लिए राधाकृष्णन के बर्थडे के रूप में. जी बहुत ही बढ़िया. ये श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है, उनका बर्थ डेट है. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, साथ ही में उनको भारत रत्न की उपाधि भी प्राप्त. भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान जो कि उन्हें प्राप्त है. वैसे अगर देखा जाए तो टीचर्स का महत्व आज के सीनियरियो से, अगर हम बात करें आज के सीनियरियो में, उससे भी पहले के जमाने में भी अगर देखा जाए तो टीचर्स का महत्व बहुत ज्यादा हुआ. आपने श्री कृष्ण भगवान के बारे में तो सबने सुनाई है. श्री कृष्ण भगवान एक तरीके से भगवान के यहाँ पर अवतरित हुए थे, उनको भी आवश्यकता पड़ी टीचर्स की. उनके टीचर्स उज्जैन तक वो आए थे, द्वारिका से लेकर उज्जैन में यहाँ पर आके उन्होंने पठन किया था, पूरा ज्ञान प्राप्त किया. भले वो सर्वज्ञ थे, सर्वज्ञाता थे, फिर भी उनको यहाँ पर आके गुरु का ज्ञान लेना. आपने देखा होगा कि जितने भी पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे उनके भी क्या होते थे, गुरु हुआ करते थे. ये भी आपको सबको पता है. साथ ही में गुरु से रिलेटेड आपने एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनी होगी, द्रोणाचार्य वाली, एकलव्य वाली कहानी भी आपने सुनी होगी कि गुरु के लिए जो शिष्य था उसने कितना बड़ा सैक्रिफाइस. हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमारे यहाँ पर भी वैसे ही उसी लेवल के गुरु बैठे हुए हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूँ. शोभित मिश्रा सर, ऐसे सब आप जानते हैं. इनको दक्षिणा में चाहिए कि आप सक्सेसफुल हो जाए. आप अपनी अपनी लाइफ का जो जो आपने सोचा है उसके बारे में आप पहुंच जाए, वहां तक पहुंच जाए, वो अचीव कर ले. सर की दक्षिणा यही है. पाटीदार सर, तो पाटीदार सर हमारी कोचिंग के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं. सबसे सभ्य, सबसे सुशील और एक तरीके से बोला जाए तो मतलब कि इतने डिसेंट टीचर मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे. जो कि अपनी जो प्रोफेशन है उसके प्रति उनका डेडिकेशन इतना ज्यादा है कि अगर इनको आप 3 बजे बुलाएंगे तो 2:45 बजे पहुंच जाएंगे. और अगर आप हम जैसे लोगों को बोले डिफेंस के अंदर, तो मैं टाइम पे पहुंचता था, अभी मैं देर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, देर से पहुंचू 5 साल है ना. सर का इतना अच्छा है काम कि टाइम से पहले पहुंच जाते हैं. हमारे शोभित मिश्रा सर हैं, उन्होंने भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैं इतने टाइम पे एक या 2 बार लेट हुए, वो भी ड्यू टू रेन वगैरह एक्सेट्रा, मतलब कि ऐसे कारण जिनको हम नहीं कर सकते. अब हम बात करें सर की, ठीक है, सिद्धार्थ सर. देखो बचपन में स्कूल में सबसे खतरनाक जो टीचर हुआ करता वो होता था आपका पीटीआई, दुष्ट, सबसे दुष्ट लगता था कि यार ये पीटीआई मेरे को पकड़ना ले, रस्ते में मेरे को दौड़ाना दे. तो उसका इम्पोर्टेंस, उन टीचर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ही खतरनाक हुआ करता. तो हमारे सर जो है ऐसे तो देखने से तो चॉकलेट ही लगते पर सर हमारे एक तरीके से अपने क्षेत्र के अंदर इनका निपुणता इनको प्राप्त है, महारत इनको प्राप्त है. ये फिजिकल के अंदर एक्सपर्ट है, साथ ही में न्यूट्रिशन के भी एक्सपर्ट, दोनों चीजें कंबाइंडली. और ये पर्सनल ट्रेनर भी है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में अवेलेबल. हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि इतने जानने वाले
सर हैं जो हमारे साथ में जुड़े, हमारे लिए परम सम्मान हो। अगर हम बात करें इधर, ये एक और बड़ी गुरु, नाम है पिया ताला, और ऐसे तो मेरी वाइफ होती है तो भाई वाइफ लगती है तो आपको ढंग से ही बोलना पड़ेगा, परम सम्माननीय है। तो इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, अगर हमने बुरा एक भी कर दी तो हमारा दाना पानी बन जाता। तो सारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का मैं भी संभालती हूँ, ऑलमोस्ट सारे जितना भी किस हिसाब से क्लास लेंगे, क्या प्लानिंग करनी है, किस हिसाब से क्या करना है, एडमिशन की काउंसलिंग एक्सेट्रा, फोर्थ इंक्वायरी, मतलब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैम संभालती है, और साथ ही में साइंस की क्लासेस भी है। तो बाकी आपको तो पता है बाकी सारा। तो ये तो हो गया नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन जो सेल्यूट अकेडमी के बारे में था। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, तो कार्यक्रम के चरण इस तरीके से रहेंगे कि सबसे पहले हम सरस्वती वंदन करेंगे। सरस्वती वंदन करने के बाद में हम दिया जलाएंगे आपको, दिया जलाने के बाद में सरस्वती वंदन के बाद में देन हमारे गुरु आप लोगों को थोड़ा ज्ञान बांटेंगे और अपना आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त करेंगे देंगे। इसके बाद में जो भी आप लोगों में से जो भी बोलना चाहता है वो बोले, यहाँ पर मंच पर आए, पर हर एक को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी ही होगी, चाहे वो डांस हो, चाहे वो आपकी स्पीच हो, कुछ भी हो, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर बोल के या नाच के या डांस करके कुछ भी या स्किट करके जाना ही पड़ेगा, मतलब ये कंपलसरी, ठीक है। तो